गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आज चिलिका जा रहे हैं, तो हम सुबह सुबह निकले हैं भुवनेश्वर से, जो कि 62 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप रोडवे में जाते हैं तो आप बरकुल, रंभा, बालूगा या फिर सतपड़ा से जा सकते हैं। अगर आप एयरवे में आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर, और अगर आप रेलवे में आते हैं तो रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है बालूगा। तो चलिए, हाइक करने के लिए यहाँ पे दो स्टैंड बना गए हैं। एक गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का बोट स्टैंड है, और दूसरा है ये प्राइवेट का। आप जहाँ भी चाहे बोट हाइक कर सकते हैं, लेकिन जिस बोट में आप जाएंगे उसी बोट से आपको वापस आना पड़ेगा। और हम प्राइवेट बोट के लिए बुकिंग कर चुके हैं, इसलिए हम प्राइवेट बोट के लिए जा रहे हैं। और बोटिंग करने से पहले हमें ये लाइफ जैकेट मिलता है, सभी को मिलता है, तो लाइफ जैकेट सेफ्टी के लिए हम भी पहन चुके हैं। देखिए, सब भी तैयार हो रहे हैं, और ये जैकेट रूम है, यहाँ पर ही सभी को मिलता है लाइफ जैकेट, तो हम भी जैकेट पहन के अभी जा रहे हैं। और एक ही बोट में मैक्सिमम 10% जाएंगे, हम शेयर करके बोट बुक किए हैं, आप चाहे तो पर्सनल भी बुक कर सकते हैं। तो अभी हम रेडी होकर बोट में बैठ गए और हमारे बोट भी शुरू होने वाला है। चिलिका की सबसे खास बात है ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सी गल्स है, तो आप जब भी है इनके लिए कुछ फ्रूटिंग दाना जरूर लाना, और आपको भी इस तरह खूबसूरत नज़ारा दिखने को जरूर मिलेगा। अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं कालीजाई टेम्पल। देखिए, दूर से हमें दिखाई दे रही है ये जो आइलैंड है, कालीजाई आइलैंड, इसके ऊपर ये जो मंदिर है। हमें लगभग 45 मिनट्स या 50 मिनट्स लगा, और ये डिस्टेंस चिलिका लेक से ये जो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये मंदिर के पीछे एक स्टोरी है, जाई नाम की एक लड़की थी जिसका शादी झील के उस पार हो जाती है, और ये पहली बार अपने ससुराल अपने पिता के साथ जा रही है। जब वो जा रही थी अचानक एक तूफान आती है और नाव डूब जाता है, तो तूफान थमने के बाद सभी लोग जिंदा बचते हैं, एक उस लड़की का पता नहीं मिलता, तो वो सोचते हैं कि जाई मर चुकी है। उस घटना के बाद जब भी कोई लोग या पछुआड़े इस टापू के साइड में जाते थे तो एक लड़की की रोने की आवाज़ हमेशा सुनते थे। और उसी टाइम पारिकूट के राजा को भी सपने में आई, जो कि काली के भक्त थे, उनको सपनों में आई कि जाई काली जी काली माता की एक अवतार थी, तो उनके लिए ये जगह पर एक मंदिर बनाना चाहिए। तब राजा ने यहाँ पर एक मंदिर बना दी, तब से ये मंदिर यहाँ से खड़ा है और माँ कालीजाई नाम की मूर्ति पूजा हो रही है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, ये फ्लोटिंग ब्रिज है, इसके ऊपर आकर हमें मंदिर जाना है। तो अब ये मंदिर देखिए कितना सुंदर सा मंदिर, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब विंटर सीजन है, विंटर में यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, क्योंकि विंटर में ही टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे काफ़ी सारा दुकानें भी है और एक रेस्टोरेंट भी है, और आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश भी हो सकते हैं। ये मंदिर के पीछे का एरिया है, यहाँ पर लोग पिकनिक भी मनाते हैं और ये जंगल का नज़ारा दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। चल टाइम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है और एक नया जगह, तो बने रहे हमारे साथ देखने के लिए चढ़े गुहा आइलैंड, तो चलते हैं। ये दूर से जो छोटा सा व्हाइट का आइलैंड दिखाई दे रहा है यही है चढ़ेगुहा। तो यहाँ पे इसे तो देखने के लिए कुछ नहीं है, पर बहुत बढ़िया है फोटोग्राफी के लिए, हर लोग यहाँ आते हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। और ये जो पहाड़, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये सदियों से ऐसे ही है। और इस आइलैंड के ऊपर आपको एक खास फीलिंग से आएगी, जो कि चारों तरफ पानी ही पानी और आप बीच में एक छोटा सा आइलैंड के ऊपर खड़े हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप जब भी चिलिका कालीजाई टेम्पल आएंगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अब हमारा चिलिका टेम्पल का जर्नी ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे तो सीधा खाना खाएंगे। और अब हम बाहर एक होटल में खाने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ का खाना प्रिपरेशन बहुत अच्छा था लेकिन बहुत कॉस्टली था। तो आप जब भी चिलिका आएँ तो खाने के लिए यहाँ बाहर कहीं नहीं जाना, आपको ये जो पांथाशाला है बरकुल का पांथाशाला, यहाँ पर आप खाएँगे तो आपको बजट में आएगा खाना और बहुत हाइजीनिक और घर का प्रिपरेशन की तरह भी लगेगा। तो आप यहाँ आइए, और यहाँ वाशरूम वगैरह भी बहुत बढ़िया है, आप फ्रेश होकर यहाँ से अच्छे से खाना खा सकते हैं। ये रहा ये जो पांथशाला। We'll be right back.
रेस्टोरेंट जो बहुत ही हाइजीनिक है। और इस पंथसरा के पास एक पार्क भी है, आपके पास अगर टाइम हो तो आप यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं और आपके बच्चों भी काफ़ी सारा एंजॉय कर सकते हैं। पार्क में हम थोड़ी देर आराम करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम दोनों को आ रही है नींद, इसलिए हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बोल दो, बहुत नींद आ रही है।